हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये ढोकला। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये ढोकला बनाना बताऊंगी आज। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये बेसन। ये बेसन मैंने 1.5 कप के करीब ये बेसन लिया है, चीनी, लेमन जूस और नमक और पानी बैटर बनाने के लिए हमें। तो चलिए इसका हम बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। इसका बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी ये चीनी 1 चम्मच के करीब, और लेमन जूस ये करीब 3 चम्मच है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालें आप, मतलब जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा हल्का ही इसमें नमक डालें। उसके बाद इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और जो पानी है ना वो हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम एक बार में पानी डाल देंगे तो फिर वो लम्स रह जाएंगे, तो हमारा बैटर जो होगा वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होगा। तो इसलिए पानी हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना चाहिए। कोई भी बैटर हम बनाएं, किसी भी चीज़ का हम जब भी बैटर बनाते हैं तो पानी हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर लूँगी। ये मैंने बैटर इसका बना लिया है, ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसी तरीके से रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। आप इसको अच्छे तरीके से खूब 5-7 मिनट अच्छे तरीके से आप इसे फेंट लें। इसे मैंने करीब 5 से 7 मिनट इसे फेंट लिया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। ढककर अगर आपके पास ज़्यादा समय है ना तो मैं तो कहूँगी कि आप बैटर 1-2 घंटे पहले ही बना के ढक के रख लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1/2 घंटे रख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप इसे 1-2 घंटे ज़्यादा रख लीजिए। तो जब तक ये सेट होता है हम पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। ये मैं पानी रख रही हूँ, इसको हम स्टीम कर लेंगे, मतलब हल्का सा इसमें बॉयल आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हम बैटर चेक कर लेते हैं। बैटर मैंने करीब मेरे पास टाइम था तो मैंने इसे करीब 1.5 घंटे इसे मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया था। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे ये इनो पाउडर यानी इनो सॉल्ट, 1 पैकेट मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया। और इसको हम इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में हम इसे फेंटेंगे, यानी कि एक बार इधर से एक बार उधर से नहीं, हमेशा एक डायरेक्शन में आप इसे इस तरीके से फेंटें। बस हो गया। और ये मैंने एक बर्तन लिया है इस तरीके का, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इस तरीके का ले लें। इसमें मैंने ऑयल लगा के इसे अच्छे तरीके से चिकना कर दिया है, तो आप भी पहले इसमें अच्छे तरीके से ऑयल लगा कर चिकना कर दें, उसके बाद इसमें आप बैटर ऐड करें। सारा बैटर मैं इसमें इस तरीके से फैला दूँगी। और ये इनो सॉल्ट डाल के हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, जैसे ही डालें मिक्स करें, बस इसको ट्रांसफ़र करिए, हो गया। चलिए पानी में हमारा बॉयल भी आ चुका है। इसमें मैं एक स्टैंड रख देती हूँ, उसके ऊपर हम ये अपना बैटर रख देंगे और इसे हम करीब 20 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ये 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपना ढोकला एक बार चेक कर लेते हैं। इसे आप इसे किसी फॉग या टूथपिक से चेक करिए। देखिए हमारा बैटर एकदम भी चम्मच में लग नहीं रहा है, मतलब कि पूरी तरीके से हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए फ़ैन में रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है हम अपना इसके ऊपर जो गार्निशिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा वो सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये राई। आप राई कोई भी वाली ले लें, येलो वाली, ब्लैक वाली, जो भी आपको मिले। ये थोड़े से कड़ी पत्ते, ये हरी मिर्च, इन्हें मैंने बीच से काट दिया है, और ये चीनी। तो चलिए हम ये बना लेते हैं। ये मैं एक पैन ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसका टेस्ट सही नहीं आएगा इसमें। और इसमें मैंने ये राई ऐड कर दिया, उसके बाद कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, इन सबको हम हल्का सा भून लेंगे। बस इसे इस तरीके से हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने करीब 3.5 चम्मच के करीब इसमें चीनी ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें ये पानी ऐड कर देंगे। इसका जो सिरम है, मतलब ये जो हम बना रहे हैं, आप ये भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए। मैं इसमें 1 से 1.5 कप के करीब पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे। हमें चाशनी नहीं बनानी है, तो बस थोड़े देर इसे हम 1-2 मिनट बॉयल करेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से मिलाते हुए मैं इसे
2 मिनट बॉईल करूँगी, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। ये भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो इस तरीके से आप चक्कू की सहायता से साइड साइड से निकाल लें। उसके बाद एक प्लेट लें और इस तरीके से उल्टा करके, बस बहुत ही ईजिली निकल जाएगा अगर आपने ऑयल अच्छे से इसमें ग्रीस किया हुआ है तो। ये देखिए हमारा ढोकला एकदम सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बन के तैयार है, देखिए। उसके बाद हम इसे इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जिस हिसाब से जैसा भी पीसेस कट करना हो आप कट कर ले, छोटा बड़ा जैसा भी आप। मैं इसे इस तरीके से पीसेस में कट कर रही हूँ। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमने जो सिरम बनाया है वो ऐड कर लेंगे। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा कितना स्पंजी सॉफ्ट रुई के जैसा ढोकला बन के तैयार है। अभी हम ये सीरम इसके ऊपर ऐड कर दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें ताकि इसे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लें। इस तरीके चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे तरीके से, बस ये जो हमारा ढोकला है एकदम बन के तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।